और ये नौशीन हुकूमत ने बीबी, प्रूव क्या आप किया। ये बता सकती हैं कि जो पोलिंग प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हुए थे उनको किसने गायब किया था सर गवर्नमेंट ने, और वो कहाँ पीटीआई के रखे गए थे? लोगों ने, डीएसपी ने, और ये सब इन्होंने करवाया। फार्म हाउस पे रहे हैं वो लोग। किस फार्म हाउस पे? सर मैं उसके फैक्ट कलेक्ट कर रही हूँ, आई विल कम विद द प्रूफ अगेन। जिस तरह मैं अभी तक एविडेंस के साथ आई हूँ, आई विल कम अप विद द प्रूफ अगेन इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहते हैं मलिक जी? साहब? मैं जरूर कहना चाहता हूँ जी, मुझे एक एविडेंस तो दिखा दें जो इन लोगों ने दिए, कोई मलिक साहब एक आपको तो एविडेंस। ना ही हल्के का पता है, ठीक ना है, आपको पता है कि पूरी एक्शन गंभीर मुझे में क्या कोई हुआ। एक लेकिन आप एविडेंस सब बता मेरे दें, साथ अभी पूछ तक सकते हैं, मैं तमाम के करूंगी। तमाम इल्जाम आती है ना जी। अच्छा नुशीन, आपका बिल्कुल मुतालबा जो है वो आप चाहती हैं कि पूरे हल्के NA-75 में रीपोल हो या उन सिर्फ बिल्कुल 14 नदीम पोलिंग साहब स्टेशन पे? पूरे में हो। नदीम साहब पता है क्या, देखिए हमें उलझाने के लिए वो 20 तो छोड़ दें आप जो रीपोल में ये कहते हैं, ये वो तो उनका अपना खुद ही बता चुके हैं कि जी मेरा स्ट्रांग होल्ड है क्योंकि वो मेरा अपना घर है, उनको तो आप एक साइड पे करें। सर जो चार चार पोलिंग घंटे स्टेशन बंद रहे, डोर लॉक रहे, उनके अंदर क्या हुआ हमारे इल्म में वो तो नहीं है ना सर। अब तो मैं उसको भी लेके इसीलिए हूँ कि पूरा इलेक्शन कॉन्ट्रोवर्शियल है, इट इज, मैं ऑन एयर कह रही हूँ। जो दरवाजे चार चार घंटे बंद रहे उनके चार चार घंटे बंद नहीं रहा और जी। जो आप लोग चाहती हैं बाहर NA-75 में सारे में दोबारा इंतखाबात हो? मुझसे जवाब ले लीजिए प्लीज, सलाम रहे सर, और लोगों को राइट मिले, जो मेरे लोग से डंडे जवाब ले खाते लेंगे रहे जी हैं बाहर प्लीज। फायरिंग में एरियल में भी खड़े रहे डायरेक्ट लोग।